गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये बन रही है सूरन की सब्ज़ी। आजकल हमारे घर में सूरन की सब्ज़ी ना ज़्यादा बन रही है, जिमीकंद भी बोलते हैं इसी को ही। एक तो ये टेस्टी बनती है ना, और दूसरा कि हेल्थ वाइज भी अच्छी होती है, तो फिर हम खा रहे हैं ज़्यादातर। और आज श्राद्ध, लास्ट वाला श्राद्ध था, तो फिर हमने पूरा, मतलब ऐसा मानते हैं कि भाई अगर कहीं कोई भूल छूल हो गई हो तो इस दिन मतलब सारे पितरों को याद करके आज भी मतलब हमने श्राद्धी मना लिया। बच्चों को लग रही थी भूख क्योंकि खाना बनने में हो रहा था लेट, तो फिर इनको मैगी बना के दे दी थी, साथ में ये खीर चढ़ा दी थी मैंने। और ये बन रहे हैं भल्ले, दही बड़े, तो सारा कुछ खाना, दाल भी बनाई थी, चावल, रोटी वगैरह सब, मतलब जैसे जो जो श्राद्ध में पिछली बार बनाया था वही हमने सब बनाया था। और फिर ये पत्ते लगाए थे इन्होंने, और आज क्योंकि मेरी ननद के वो लोग भी इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर वो नहीं आएंगे, इसलिए फिर सारा हम गाय को खिला देंगे। तो ये बनाया, और बाकी कढ़ी बन रही थी, तो कढ़ी की एक मैं आपको ना मतलब बहुत टेस्टी बनती है, अगर आप एक बार ट्राई करके देखना। जैसे अगर छाछ आपकी खट्टी भी है ना, तो ये आप एक बार आजमा के देखना। उबलती हुई कढ़ी में ना एक चम्मच अजवाइन की ऐड कर लेना, और एक चम्मच चीनी की। अगर बहुत ही ज़्यादा खट्टी है आपकी छाछ तो दो चम्मच, गजब का टेस्ट आता है। बाकी उबलती हुई कढ़ी में आप कढ़ी पत्ता भी डाल सकते हो, तब भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और ये जी बच्चों को आज पता नहीं कहाँ से, यूट्यूब पे कि कहाँ देखी थी इन्होंने कि एक बहुत ही ज़बरदस्त वाला ड्रिंक बनानी है, कोल्ड ड्रिंक, तो वो बन रही थी। इसमें क्या किया मैंने, कोको पाउडर लिया 3 से 4 चम्मच, और एक चम्मच के करीब इसमें कॉर्न स्टार्च डाला, और फिर इसको छाना। भाई मिट्ठू बनवा रहा था खड़े होकर के मुझसे ये कि मम्मा इसको ऐसे ही घोल नहीं देना है, इसको छानना है बढ़िया तरह से। तो फिर मैं इसको छान रही थी, और बर्तन मैंने छोटा ले लिया था तो थोड़ा बहुत मेरे से नीचे गिर गया, और फिर बोला अब मम्मा इसको अच्छी तरह से मिक्स करो। तो भाई इसी ने देख रखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं बना रही थी। फिर जी दूध रखा था बॉईल करने के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। ये ड्रिंक ना एक दो दिन पहले बच्चे पी भी रहे थे, और फिर मिट्टू बोल रहा था कि बहुत टेस्टी है, मतलब कोल्ड कॉफ़ी है कुछ ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो ये वही वाला ड्रिंक बना रही हूँ। फिर इसी ने बोला कि मम्मा पूरी रेसिपी एक बार इस चैनल पे भी डाल दो ताकि आप भूल भी जाओ दोबारा, तो यहीं से देख लेंगे। और होता है ऐसा, कई बार मैं चीज़ें बना तो लेती हूँ ना, फिर मैं भूल जाती हूँ। फिर जी इसको अब डाल दिया यहाँ पे 2 गिलास दूध में, और अब इसको फिर से बॉईल करूँगी अच्छी तरह से लगभग 10 मिनट के लिए, फिर फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। ठंडा होकर के ये बहुत ही टेस्टी बनती है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी भी ज़रूर ऐड करें। बेला हो गया मैं, एक्चुअली दादू मेरे दादी का श्राद्ध था, तो श्राद्ध बनाने के बाद अभी थोड़ा सा काम मुझे ये आ गया कि यार बड़े दिन हो गए गाड़ी मैंने वॉश नहीं करवाई है, ठीक है, तो गाड़ी को वॉश कराने जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर वहाँ पे रश होगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन करानी तो है, गंदी पड़ी थी। उस दिन मैं नीचे उस तरफ गया था धर्मपुर की तरफ ना, तो वहाँ था बहुत सारा किचड़ लग गया था, उस दिन बारिश, धर्मपुर से पीछे गए थे वो याद करो उस दिन पहले। हाँ तो और अच्छा आगे याद यार, आजकल मेरी खा के मेमोरी कम हो जाती है। हाँ तो मानती है ना इस चीज को, क्या मानती है कि हम ये दवाई से मैं खाता हूँ, हम ये मानते हैं जो आप कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा और कुछ नहीं कहोगे। अब नवरात्रे आने वाले हैं, मतलब कि कल नवरात्रे हैं, कल से स्टार्ट है नवरात्रे, तो देखते हैं कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ नया लेने की सोच रहे हैं। क्या लेना है अपने नया, देखते हैं जरा कल परसों 2-3 दिन में। चलो अच्छी बात है, आपको एक बार भी शेयर करेंगे हम, तो मैं जरा वॉश करा के आता हूँ उसको ना, जब तक आप शानवी मिट्टू पढ़ने बैठ जाओ बेटे, आ रहा हूँ मैं, वो आपसे वर्ड मीनिंग पूछूंगा मैं जो सेंटेंस है उसके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के, दोनों बैठ जाओ ठीक है, चैप्टर नंबर 6 पढ़ना दोनों, नहीं तो फिर देख लेना ठीक है ना बेटे। यहाँ देख सकते हो कि शानवी कर रही है होमवर्क, और शानवी क्या कर रहे हो? अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही है, क्या पढ़ाई कर रही है? मैं इंग्लिश कर रही थी। अच्छा अच्छा और क्या, और क्या इंग्लिश ही, और मिट्ठू कहाँ गया वो? हेलो, अरे मिट्ठू बना दिया, ओ भाई स्टडी टेबल बना दिया है,
अच्छा, ये क्या क्या रखा हुआ है? सजाया हुआ है पूरा। ये पेन और ये किताबें और ये ऐसे ही। इतने सारे पेन है तेरे पास में? रखे हुए जरूरत पड़ती है। और ये अच्छा, साथ में कैरम बोर्ड भी है जब खेलने का मन करे, जब तो उठाना यहाँ पर रखना और खेलना। अच्छा, जब दिल करे खेलने का तो फिर मतलब कैरम बोर्ड के साथ में और क्या क्या गेम रखी हुई है? अभी तो लूडो रखी हुई है, टीचर भी खेलते हैं। अच्छा, और सब कुछ खेल लेते हैं। ये तेरी बनियान निकल गई, इसको थोड़ा ऐसे कर लो अंदर। अच्छा, डिजाइन अच्छी वहाँ कोई बात नहीं। हाँ नहीं, ठंड होगी अभी ना अभी। अच्छा, ये इसने यहाँ पे रखा हुआ है, क्या बात है। और ये क्या है, ये कलर आज क्या लेके आये? डायरी लेके आये हो? अभी लिखी नहीं है मैंने। दिखाओ खोल के। 10 रुपीस की ओनली मात्र। ऐसे ड्राइंग थोड़ी बहुत, अब मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, अभी एक लाइन लिखी है। क्या लिखा है दिखा दे। माय नेम इज मृदुल। कहाँ पे है ये देखो, ये लिखा है बस, माय नेम इज मृदुल। आगे की मेरे आज सोच। और ये क्या बना रहे हो? ये पिक्चर बना रहे हो? मैम ने बोला था पिक्चर अर्थ की ड्राइंग, मैम ने बोला था हमको यहाँ पर बनानी है। अच्छा 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 अच्छा, मम्मा कहाँ है? चलो वंदना को देखते हैं, एक्चुअली वो बाहर गई थी, अंधेरा हो चुका है ये आप देख सकते हो भी। और कहाँ पे है? अरे ये क्या कर रही है रात को? देखो मैंने नहीं उठाए तो कपड़े किसी ने। नहीं नहीं, मैंने उठाने थे अभी ना, मैंने बाजार में जाना है, सब्जी लानी है। सब्जी लानी है ना? हाँ हाँ। ये सॉक्स तो गीली है, किसकी थी? ये मैंने धोई थी अभी दिन में, मिट्ठू ने बोला था कि यार पापा ये सॉक्स गंदे, मैंने कहा मैं धो देता हूँ फटाफट ना। जब मैंने धोई थी तब तो दिए नहीं ना, मैंने इनको। तो यार ये बच्चे हैं अब, इनको क्या बोल सकते हैं? गाने बज रहे हैं, इसका मतलब ये कि शादियां शुरू हो गई हैं आज से ही है ना। हाँ हाँ, आज वो नींद्रू है, वो फ्रेंड भी बोल रहा था, मेरा फोन आया था ना, तो कल से तो वैसे भी नवरात्रि स्टार्ट है, तो आज से ही है। हाँ हाँ, तो आज से नींद्र स्टार्ट हो गए, कल से नवरात्रि हैं और हमें कल जाना पड़ेगा कहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, मंडी। क्या बात है वंदना, एक्चुअली दो तीन काम है, एक तो हाँ बस, तुझे तो बस में जाना पड़ेगा ना, बस पकड़ लिए सुबह जल्दी ना, ठीक है? क्योंकि क्योंकि मुझे काम है बाजार में ना थोड़ा सा, तो इसीलिए तो मैंने इसको कितने बार बोला, मैंने कहा सीख ले सीख ले सीख ले सीख ले सीख ले सीख ले, ड्राइविंग सीख ले, पर ये नहीं मानती है। चलो तो मैं बाजार जाके आता हूँ। थोड़ा बहुत डर होता है ना मन का, वो तो चलो प्रैक्टिस से ही निकलता है, तो वैसे ड्राइविंग आती है मेरे को, ऐसा नहीं है चला मैं लेती हूँ, लेकिन कई बार लाई ही तो हूँ जब देखो जब। तो यार वो इतने दिन के साथ कितनी बार ड्राइव किया मैंने, तो ये तो वो तो यार डैडी को तो उनको भी नहीं आती थी ना ज्यादा, मुझे उनको एनकरेज करते थे नहीं कुछ नहीं वाला चल टूट जाएगी डैडी से ना, बैक नहीं होती होती थी फिर नहीं होती थी ना, मतलब चला तो देती थी ना, जैसे कितने कई बार आई होती पपलोग से यहाँ तक तो मैं आई जाती थी। फिर उसके बाद मतलब जैसे होता है ना भाई बच्चों के बाद भी, फिर डैडी के बाद भी ऐसे सदमा सा लग जाता है ना, तो फिर अब चाहे ये समझ लो कि भाई डर लगता है कि भाई मैं भी मरना चाहूँ क्या भी, पर हाँ ऐसा होता है जैसे सामने से आ रही होती है गाड़ी तो थोड़ा डर बैठ गया मतलब। चल कोई चक्कर, चलो जब प्रैक्टिस करेंगे ना। चल सिखा दूंगा मैं, लाइसेंस भी बनवा दूंगा, लाइसेंस तो बना नहीं है तेरा। अब मुझे लगता है मुझे गाड़ी खरीदनी पड़ेगी अपने लिए ना, बनाना पड़ेगा फिर चलाऊंगी मैं। ठीक है, ओके ओके, मैं बाजार जाके आता हूँ। ठीक है, ओके। क्या बनता है ना, बस ये है कि भाई स्वस्थ रहना चाहिए ना, ठीक है, बीमारी ना होनी चाहिए किसी को भी, थोड़ी सी भी चाहे ज़्यादा भी चाहे पता क्या दिक्कत आ जाती है, फिर पूरा जो मैनेज किया होता है ना वो पूरा ऊपर नीचे हो जाता है, फिर यहाँ जाना वहाँ जाना हॉस्पिटलों के चक्कर। ये क्या हुआ? हाँ आम का पेड़ कहाँ गया यहाँ से, ये देखिए। अच्छा तूने, मैंने बोलू यार ये तोड़ लगती थी ना यहाँ कपड़े डालते थे, थोड़ी कटिंग कर दी यहीं से खड़े होके कर दी थी थोड़ी थोड़ी। मैं बोलू यार यहाँ आम का पेड़ किसने तोड़ दिया यार, नीचे से यहाँ पे तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया ये। देखिए कटिंग हो रखी है, मैंने क्या कहता बंदर ऊपर से गिरने के मतलब की वो डाई मारते रहते ना ऊपर से नीचे, मैंने कहा ऊपर से नीचे तोड़ दी होगी उन्होंने। हाँ ठीक है, पर मैं बाजार से थोड़ा लेके आता हूँ कुछ ना सानू मिट्टू के लिए,
ठीक है फिर है खाना भी ना? नहीं नहीं खाना तो घर का ही खाते हैं भैया, फिर उसके बाद सब्जी सब्जी है, दाल है, कढ़ी है, सारी चीजें भरपूर मात्रा में बनी हुई है, ठीक, बल्कि अच्छी क्वालिटी में बनाई थी मैंने सुबह ना। हम क्या किया ना कि वही जैसे तो श्राद्ध बनाया तो भाई किराएदार भी अपनी फैमिली मेंबर की तरह होते, तो मैं जब भी पिछली बार भी नहीं नहीं अच्छी बात है अच्छी बात है। और ये देखो तो मेरा मुन्ना कैसा नाच रहा है, ये देख सकते हैं मेरी पिक्चर दिखाओ, कैसी बन गया, बहुत ही बढ़िया बनी है, लगाया था यूज किया, बहुत ही यूज नहीं की है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। आप बताओ मम्मा कैसी लगी, बैटरी डाउन हो जाएगी, ये चार्जिंग पे लगाया है, मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ ना। मैंने बनाई है और शानवी ने, हाँ तो कल नहीं तो अच्छा ना बेटा पढ़ने बैठ, जो मैंने वो दिया हो ना वो चैप्टर याद करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग वाले वो ना, हाँ उसको पूरा वो पढ़ लो बेटे समझ के, फिर मैं आपसे पूछूंगा ठीक है, जल्दी तू इसको तय लगा और फटाफट मैं जरा बाजार जाके आता हूँ, ठीक है, ओके ओके।